वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज आपके साथ फैटी लिवर का एक शानदार जानदार और आजमाया हुआ नुस्खा शेयर करूंगा, जो सिर्फ जो तकरीबन जो 12 साल के बच्चों से लेकर 100 साल तक का बुजुर्ग उसका इस्तेमाल कर सकता है आसानी से, राइट। फैटी लिवर एक ऐसी समस्या है जो अगर इनिशियल स्टेज पे है, ग्रेड 1 पे है, तो उसको इजीली अपना लाइफस्टाइल चेंज करके रिवर्स किया जा सकता है, यानी रिवर्सिबल कंडीशन है, राइट। तो हमारा जो लिवर होता है तकरीबन 1.5 किलो का होता है, तकरीबन 1500 ग्राम, इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम तक का फैट भी होता है। अब अगर 100 ग्राम 120 ग्राम तक का फैट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर 120 ग्राम से 150 ग्राम 175 ग्राम 200 ग्राम या इससे ज्यादा बढ़ जाए फैट, तो समझ लीजिए यह कंडीशन फैटी लिवर की है, ठीक है। फैटी लिवर 3 तरह का है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 में थोड़ी बहुत अपच रहनी शुरू हो जाती है, खाना पचता नहीं है, भूख का जो समय है वो डिले होना शुरू हो जाता है, जो भूख 1 बजे 2 बजे लगनी चाहिए वो कई बार 3:30-4 बजे लगनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को थोड़ी थोड़ी एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी बहुत खट्टे डकार या फिर कई बार पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है। अगर ये समस्याएं आ रही हैं तो समझ लीजिए कि लिवर में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, हमने इसको ठीक करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। क्या खाना क्या नहीं खाना अभी बताता हूं आपको, ठीक है। सेकंड ग्रेड में अपच के साथ साथ पेट में फुलावट आनी शुरू हो जाती है, गैस बहुत बनती है या फिर कईयों को डकार बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और खाना भी पचता नहीं है, एसिड भी बनता है, ठीक है, भूख मरसी जाती है, आदमी का दिल ही नहीं करता, खाता है तो जबरदस्ती खाता है, ठीक है। 2 रोटी की भूख होगी, 1 रोटी के बाद ऐसे लगेगा कि बस पेट भर गया, ऊपर ही खाना पड़ा। तो सेकंड ग्रेड आ जाए तो समझ लीजिए कि अब आपको अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ मेडिकेशन को भी शुरू करना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड स्टेज में बहुत सारी कंडीशंस आनी शुरू हो जाती हैं, उल्टी आने को मन हो जाता है, कई बार उल्टियां भी आनी शुरू हो जाती हैं, कंधे के दाईं तरफ दर्द रहना शुरू हो जाता है, पसली के जस्ट नीचे राइट साइड में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, पेट में अफारा जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है, जो भी खाते हैं ऐसा लगता है ऊपर ऊपर ही पड़ा है, नीचे जा ही नहीं पा रहा, ठीक है। स्किन जो है पीली पीली सी रहनी शुरू हो जाती है, कईयों के आंखों में पीला पन आना शुरू हो जाता है, इस तरीके की बहुत सारी कंडीशंस आनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए ये वाकई अब बहुत सीरियसली आपको इसको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। तो 2 तरह के फैटी लिवर होते हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, यानी जो लोग शराब पीते हैं और जो नहीं पीते हैं, दोनों को फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर जो शराब नहीं पीते हैं उनको इसलिए हो जाता है क्योंकि बाहर का खाना पीना जो है हमारा वो गलत हो जाता है, बाहर की चीजें हम ज्यादा खाने शुरू कर देते हैं, घी तला हुआ ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो नॉन वेज खाना शुरू कर देते हैं, तब ये तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब फॉर्मूला सबसे पहले बताता हूं, फिर बताता हूं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और साथ में ही चलो सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में आपको 3 चीजों की जरूरत है। पहला, अगर आपके घर में एलोवेरा जेल लगा हुआ है, एलोवेरा का प्लांट लगा हुआ है, तो उसका जेल निकाल लीजिए। मेरा एक वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया कि एलोवेरा जेल निकालना कैसे है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको। उस एलोवेरा को आपने उसका जेल निकाल लेना है, उसका जहर निकाल लेना, फिर जेल निकाल लेना। दूसरी चीज आपको चाहिए होगी नींबू का रस। तीसरी चीज चाहिए होगी आपको अदरक का रस, कितना चाहिए वो भी बताता हूं। अगर आप 100 ग्राम एलोवेरा जेल लेते हैं तो 50 ग्राम यानी उसका आधा आपको लेना है नींबू का रस, ठीक है, और 20 ग्राम लेना है अदरक का रस। ग्राम कह लीजिए या ml कह लीजिए, आप अपने हिसाब से, अगर सारा मिलीलीटर में करते हैं तो मिलीलीटर में कर लेना, अगर ग्राम से तोलते हैं तो सारी चीजें ग्राम में तोल लेना, ठीक। तीनों चीजें होगी, तीनों चीजों को अच्छी तरह से बॉटल में डाल के मिक्स कर लीजिए और उसके अंदर चाहें तो थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए। इन तीनों को मिक्स करके फ्रिज में रख लीजिए और सुबह उठ के खाली पेट 1 बड़ा चम्मच जो है आपने इस रस का पी लेना है और उसके कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद कुछ खाना पीना है, ठीक। अब अगर फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, तो सबसे पहले सुनिए क्या नहीं खाना है। सबसे पहले चावल को काटा मार देना ऐसे क्रॉस, बड़ा सारा चावल बिल्कुल नहीं खाने, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछेंगे जी ब्राउन राइस ले लें, ले सकते हैं, लेकिन आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है, पहला। दूसरा, नॉन वेज बिल्कुल नहीं, कोई चिकन नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने नॉन वेज बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। फिश ईटर्स जो हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के कारण थोड़ा बहुत इसको लेना चाहें तो वो फिश ले सकते हैं, अदरवाइज बाकी का नॉन वेज बिल्कुल नहीं।
गरम मसाले, बाहर का खाना, बर्गर, मोमोज, नूडल्स, सब परहेज। अल्कोहल बिल्कुल नहीं, गरम मसाले बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या खाएं, सबसे बेस्ट चीज है रॉ फ्रूट्स, फ्रूट्स जो आपको अच्छा लगे। अनार खाइए, आंवला खाइए, अंगूर खाइए, पपीता खाइए, अमरूद खाइए, जो भी आपको फ्रूट अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जौ के आटे की रोटी जरूर खानी है, बाजार में इजीली मिल जाता है, ठीक है। जौ के आटे की रोटी तो इतनी गजब की है, इतनी बेमिसाल चीज है कि वो लिवर के लिए बेस्ट काम करती है। गन्ने का रस जरूर पीजिए, लिवर के लिए बेस्ट है। मूली और मूली का रस जो हम निचोड़ते हैं वो भी अगर आप पिएंगे कमाल कर देगी लिवर के लिए, बहुत अच्छी है, ठीक है। अब ये उन सब के लिए जिनके पास समय है, और जिनके पास समय नहीं है और वो अपने फैटी लिवर को ठीक करना चाहते हैं, ग्रेड वन हो, ग्रेड टू हो, ग्रेड थ्री हो, या फिर उसकी वजह से एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ गए हों, अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ गए हों, तो उनके लिए खास फॉर्मूला बताता हूं जो रिसर्च करके हमने तैयार किया है, वो है लिवर वॉश। लिवर वॉश एक ऐसी चीज है जो जितने भी आपको सिम्टम आते हैं, पेट में अफारा है, कब्ज है, गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत है, खट्टे डकार हैं, भूख नहीं लगती, उल्टी आने का मन होता है, चेहरा पीला पड़ गया है, या फिर मान लीजिए दाएं कंधे में आपके दर्द हो रहा है, दाएं कंधे में दर्द हो रहा है, या फिर पसली के नीचे पेट में दर्द हो रहा है, इन तमाम चीजों में लिवर वॉश बेहतरीन काम करता है। इसको कैसे बनाना है, कितना लेना है, वो भी आपको अभी बताता हूं, ठीक है। आपको इस वीडियो में बताता हूं और फिर वो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मान लीजिए लिवर वॉश की, तो बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं जी एग्जैक्ट बताइए कि कितना बनाना है और कैसे बनाना है, वो भी आपको सिखाता हूं, आइए देखते हैं। चलिए आज आपको लिवर वॉश के बारे में भरपूर जानकारी देता हूं। ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, हमने रिसर्च करके एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो फैटी लिवर में बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके अंदर जब आप इसको ओपन करते हैं इसके कैप को, तो ये सील्ड मिलता है। सील इसलिए किया जाता है ताकि अंदर कोई भी कंटेमिनेशन, कोई भी डस्ट ना जाए और अंदर जो है सीलन ना जाए बिल्कुल भी। इसको हम यहां से ओपन करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं इसमें से आपको तुरंत एक चम्मच मिलता है, ठीक है। ये एक चम्मच इसके अंदर मौजूद है, राइट। और इसके अंदर ये पैक, इसके अंदर एक सिल्वर पैक है, राइट। इस सिल्वर पैक को हम यहां से कट करेंगे, राइट। ये बिल्कुल इंटैक्ट सील्ड है, बिल्कुल सील्ड है, ये देखिए आप, ठीक है। अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है डस्ट कंटामिनेशन जाने की, कोई सीलन, सैलाब, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं, राइट। ये फुली सील्ड है, राइट। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये देखिए इसके अंदर से हमने क्या करना है, इस ये वाला जो चम्मच आपको इसमें मिला है, ये पौना चम्मच आपने लेना है, ठीक है, पौना चम्मच 75% डेढ़ गिलास पानी के अंदर। अब ये आपका पौना चम्मच हमने, ये देखिए ये पौना चम्मच इस तरीके से आपने, ये देखिए एक से थोड़ा कम, राइट, इतना आपने यूज करना है और ये आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक। अब हम इसको साइड में करते हैं, राइट, और इस कंटेनर में हम पानी डालते हैं डेढ़ गिलास, ठीक है। ये एक गिलास हो गया, ठीक है, जो हमने पानी के अंदर ये इसको इसमें मिक्स कर लिया, और आधा गिलास और, ठीक है, ये देखिए आप आधा गिलास हमने ऐसे। अब ये डेढ़ गिलास पानी हो गया, अब इसको हम बॉयल करेंगे, ठीक है। बॉयल करके जब ये गिलास पौना रह जाए फिर हम छान के इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको दिखाता हूं बॉयल करके भी। चलिए ये हमने अब ये जो है डेढ़ गिलास जो हमने पानी लिया है उसके अंदर पौना चम्मच डाला है, इसको हमने ये गैस हमने चला दी, राइट। अब हम इसको अच्छी तरह से उबालेंगे, ठीक है। ये जब उबल उबल के आधा रह जाए, यानी कि डेढ़ गिलास जब पौना गिलास रह जाए, फिर हम इसको उतार के थोड़ा गुनगुना करके छान लेंगे, या फिर छान के गुनगुना भी करके उसके बाद आप पी सकते हैं, राइट। तो लीजिए ये अब तैयार हो गया है, राइट। अब ये मेरे हिसाब से पौना पौना गिलास रह गया है, ठीक है। इसको अब हम छान लेते हैं इसमें, राइट। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसको फिल्टर कर लेंगे, ठीक है।
शिपात। ये रेजिड्यू जो बच गया है इसको फेंक देना, ठीक है, इसका अब कोई यूज नहीं है। और आप ये देखिए, ये अपना पौना गिलास, ठीक है, ये पौना गिलास रह गया, राइट। अब ये बन गया है हमारा लिवर वॉश, और लिवर वॉश ये अंदर से ना लिवर को धो देगा, साफ कर देगा। ये वो भी इंसान पी सकता है जो जिसको लिवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैटी लिवर नहीं है, लेकिन वो लिवर डिटॉक्स करना चाहता है, अंदर से सफाई करना चाहता है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, इसके अंदर एक थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि ये कड़वा है, लेकिन ये कड़वा आपकी जिंदगी में मिठास घोल देगा। आप तब कहोगे कि हाँ भैया कड़वा था, पी लिया, लेकिन जिंदगी भी सुधर गई, सारी तकलीफें ठीक हो जाएंगी। कड़वा है थोड़ा सा, मैं पी के भी देखता हूं अभी। अब मैंने इसको कई बार पिया है, हालांकि मुझे कोई फैटी लिवर की समस्या नहीं है, लेकिन मैं आए 3-4 महीने बाद इसका इस्तेमाल कर लेता हूं। 6-7 दिन 8 दिन कड़वा लगेगा, 9वें दिन आप जब जुबान पे इसका टेस्ट जाएगा, आप कहोगे मुझे डेली सुबह खाली पेट यही चाहिए, ये इतनी जोरदार चीज है, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और बड़ा सा लाइक भी जरूर दीजिएगा, हौसला बना रहता है। और इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरी।